वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर लड़के लड़कियां जाम छलका रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 की पार्किंग को मैं खाना बना रखा था। पुलिस पहुंची तो कई लड़के लड़कियां भाग गए। 7 लोगों को मौके से शराब पीते पकड़ा गया। इनमें पति पत्नी भी हैं, जो नशे की हालत में महिला एसआई से बदतमीजी पर उतर आए। सहायक पुलिस आयुक्त वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अब तक आबकारी एक्ट समेत अन्य धाराओं में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कुछ लोग गाड़ियां छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने मौके से 15 बाइक और 4 कार जब्त की हैं। इसके अलावा महिला पुलिस से झूमा झटकी करने वाले आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाहर खुलेआम लोग शराब पीते हैं। शनिवार देर रात पुलिस की टीम पहुंची और शराब पी रहे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को आता देख कुछ लोग मौके से फरार हो गए। शराब पी रहे अनूप, अभिषेक, कमलेश गौर, जितेंद्र गौर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग गाड़ियां छोड़कर भागे हैं, पुलिस उनका पता लगा रही है। कार्यवाही के दौरान कार में बैठकर शराब पी रही महिला, उसका पति और देवर विरोध करते हुए महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता भालराय और महिला आरक्षा से भिड़ गए। उस समय तीनों नशे की हालत में थे। आरोपियों ने थाने में भी हंगामा किया। हबीबगंज पुलिस ने इस मामले में देवेंद्र, दिनेश और अनीसा के खिलाफ केस दर्ज किया। पकड़े गए तीनों आरोपी बैरागढ़ के रहने वाले हैं। तीनों थिएटर से मूवी देखकर लौट रहे थे। कार्यवाही के दौरान कार में बैठकर शराब पी रही महिला, उसका पति और देवर विरोध करते हुए महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता भालराय और महिला आरक्षा से भिड़ गए। उस समय तीनों नशे की हालत में थे। आरोपियों ने थाने में भी हंगामा किया।